तो मेरे सीएम पंक से लेकर रोमन रेंस तक आज न्यूज़ का भंडारा होने वाला है। इस भंडारे को शुरू करें उससे पहले आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और वीडियो कर दो लाइक। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यार यहाँ पर आप इस फोटो को या इस चार्ट को देख सकते हो जिसमें यार जो जो बंदा अभी WWE में इनएक्टिव है और जो भी इंजर्ड है, इंजर्ड की वजह से जो भी इनएक्टिव है उनके सारे नाम दिए गए हैं। ये पूरी लिस्ट है WWE की जो करेंटली पूरी तरीके से इंजर्ड है। और भी आप यहाँ पर एक और फोटो देख सकते हो जिसमें भी यही बताया गया है। देन हम बात करते हैं केविन ओवंस की। तो आप देख सकते हो कि केविन ओवंस बीमार हो चुके हैं, यानी वो इंजर्ड हो चुके हैं। ऐसा कोई खास मेजर इंजरी नहीं है, ये इंजरी हुई थी ब्लड लाइन के थ्रू। जब उन्होंने ब्लड लाइन की साइड की तो वो पूरी तरीके से इंजर्ड हो गए थे, लेकिन इतनी कोई बड़ी इशू नहीं होने वाला है, ये बस छोटी मोटी इंजरी है। देन हम बात करते हैं केविन नैश की। तो बस ये बंदा 64 ईयर का हो गया, फिर भी इसकी आप बॉडी फिजिक देखो यार, कितनी नेक्स्ट लेवल मेंटेन कर रखी इस बंदे ने। देन हम बात करते हैं गोल्डबर्ग वर्सेस केविन ओवंस का मैच, जहाँ पर केविन ओवंस यार वर्ल्ड चैंपियन थे, तभी यार वहाँ पर आते हैं हमारे गोल्डबर्ग और वो वहाँ पर उनको हराते हैं और जीत के चले जाते हैं। लेकिन इस मैच में कोई भी बंदा एक्साइटेड था ही नहीं, किसी को भी इतना मज़ा बिल्कुल नहीं आया। ये सबसे वर्स्ट मैच है मेरे हिसाब से, मेरे को तो बिल्कुल भी घटिया लगा था। हाँ देखो मैं उस टाइम पर नहीं था लेकिन मैंने यूट्यूब पर ज़रूर देखा था। तो आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए सबको राधे राधे।